CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पांचवी जमात की उर्दू की पाठ्य पुस्तक इब्तिदाई उर्दू के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम अच्छे ख्यालात। एक मर्तबा अकबर बादशाह अपने वजीर बीरबल के साथ सैर को निकले। मौसम का लुत्फ लेते हुए दोनों शहर से बाहर आ गए। उनकी निगाह एक लकड़हारे पर पड़ी जो लकड़ियों का गट्ठा अपने सर पर रखे हुए चला आ रहा था। उसको देखकर बादशाह के दिल में अचानक एक ख्याल पैदा हुआ। वो लकड़हारे की तरफ इशारा करते हुए बीरबल से मुखातिब हुए। बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि ये लकड़हारा हमारे बारे में क्या सोचता होगा? जहांपनाह, सीधी सी बात है, जैसे ख्यालात आप लकड़हारे के बारे में रखते हैं वैसा ही वो आपके बारे में भी सोचता होगा। बीरबल, दूसरे इंसान के दिल की बात कोई कैसे जान सकता है? जहांपनाह, आपको यकीन ना हो तो अपने कानों से सुन लीजिए। मेहरबानी करके आप एक दरख्त पर चढ़कर अपने आप को छुपा लीजिए। दरख्त की मोटी शाख पर छुपकर बैठे हुए अकबर बादशाह सोचने लगते हैं। ये लकड़हारा हमारे जंगल की लकड़ियां हमारी इजाजत के बगैर काट कर ले जाता है। इसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। इस तरह के कई और ख्यालात बादशाह के दिमाग में आए। तभी लकड़हारा दरख्त के करीब आ पहुंचा। बीरबल उसे रोकते हैं। ए भाई लकड़हारे, रुको! अरे लकड़हारे, रुको रुको! ए लकड़हारे, तुमने कुछ सुना? आज अकबर बादशाह का इंतकाल हो गया। लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठा जमीन पर फेंक कर नाचने लगता है। अच्छा हुआ जो दुनिया से उठ गया। ऐसे बादशाह का मर जाना ही बेहतर है जो अपनी रियासत के दुख दर्द को ना समझ सके। मैं तो आज जिलेबिया बांटूंगा, जिलेबिया। अकबर ने लकड़हारे की बात सुनी, उसे यकीन नहीं आया। ये कहकर लकड़हारे ने अपना लकड़ी का गट्ठा सर पर रखा और गुनगुनाता हुआ चला गया। बीरबल, ये तो बुराई के बारे में बात हुई, अच्छाई के बारे में भी सुन लूं तो तुम्हारी बात पर पूरी तरह यकीन आ जाएगा। जहांपनाह, थोड़ी देर और ठहरिए। अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे तो वो भी वैसा ही सोचेगा। जहांपनाह, वो देखिए, एक बूढ़ी औरत आ रही है। लगता है ये बड़ी गरीब और दुखी है। जहांपनाह, आप उसके बारे में अच्छे ख्याल दिल में लाइए, फिर उसकी बातें सुनिएगा। बीरबल, सचमुच ये बहुत परेशान लग रही है। आज से ही इसके खाने पीने के लिए शाही खजाने से इंतजाम करवा दूंगा। शहंशाह, आप जल्दी से छुप जाइए ताकि आपको वो देख ना पाए। अब ठीक है। अकबर छुप जाते हैं। बूढ़ी औरत के करीब आने पर बीरबल उसे रोकते हैं। अरे माई, रुको, कहाँ जा रही हो? माई, क्या तुझे पता है आज अकबर बादशाह चल बसे हैं, उनका आज इंतकाल हो गया। हाय, अरे अल्लाह, ये क्या गजब हो गया! ऐसा रहम दिल बादशाह अब कहाँ मिलेगा? वो अपनी रियाया का कितना ख्याल रखता था। हिंदू और मुसलमान दोनों उसकी आंखों के तारे थे। ए अल्लाह, उसके बदले में तू मेरी जान ले लेता पर उसको सलामत रखता। बूढ़ी औरत की बात सुनकर अकबर के दिल में बीरबल की कही हुई बात की सच्चाई पर जरा भी शक नहीं रहा। बीरबल, तुमने ठीक कहा,
कि कोई भी शख्स दूसरों के लिए जैसे ख्यालात रखता है, दूसरे भी उस शख्स के बारे में वैसे ही ख्यालात रखते हैं। जी जापना। अभी आपने सुना कार्यक्रम अच्छे ख्यालात। अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, कलाकार परवेज गौहर और शमाइला परवेज, ध्वन्यांकन बटी लैंगडिंगडो और शानू मुक्सीम, निर्माण सहयोग अमित कुमार, निर्देशन और निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।